सब्सक्राइब कीजिए ट्रिकी बॉय सीट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। दोस्तों कभी कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम ही हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है, और ऐसी छोटी प्रॉब्लम में आता है कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि सबके लिए कॉन्टैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल लगभग लोग नंबर तो याद नहीं करते, नंबर तुरंत सुन के ही सेव कर लेते हैं। लेकिन ऐसे मामले में अगर बाई चांस वो फ़ोन को रिप्लेस कर रहे हैं, अगर आप पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में आ रहे हो या सिम आप निकाल के रिमूव करके दूसरी कंपनी का सिम इंसर्ट कर रहे हो, तो ऐसे मामले में अधिकतर चांस ये रहता है कि आपका कॉन्टैक्ट्स रिमूव हो सकता है या रिमूव हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है, और मुझसे पर्सनली कुछ लोगों ने मिलकर कहा कि आप प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए जिसपे हम जान सके कॉन्टैक्ट को कैसे सेव कर सकें और उसे बचा सकें, ताकि अगर हम बाई चांस कभी भी सिम को रिप्लेस करते हैं या फ़ोन को अपग्रेड करते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट रिमूव ना हो। और मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं जो आप नहीं चाहते कि आप उसे खो दो या वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। तो ऑप्शन तो बहुत है, आप लोगों में से कई लोग तो जानते भी होंगे कि इसका बैकअप कैसे लेके इसे बचा के कैसे रखा जाता है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ जो अपने कॉन्टैक्ट्स को कई बार डिलीट करते हुए खो चुके हैं और वो नहीं अपने कॉन्टैक्ट्स को सेव कर पाए हैं। तो स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है, तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को कैसे सेव कर सकते हो परमानेंटली। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बॉय सीट चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल सब पे वर्क करने वाला है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो आपका अपना जो कॉन्टैक्ट्स वाला ऐप है उसे ओपन करना है, क्योंकि सब फोन में जहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट्स को जितने आपने कॉन्टैक्ट सेव किए जो आप देख जहाँ से देखते हो उसके ऐप को ओपन करना है। तो जैसे हमने कॉन्टैक्ट्स ओपन कर लिया, और जैसे कि देख सकते हो ये सारे नंबर जो मेरे पड़े हुए हैं, ये सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिसमें 311 कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो शो हो रहा है। तो अगर आपको सेव कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, अगर आप कोई दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको नीचे डॉट मिल जाएगा, 3 डॉट, या बटन वाले फ़ोन्स होंगे तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, या तो 3 डॉट आपको नॉर्मली स्क्रीन पे मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको खोजने में। तो स्क्रीन पे आप जैसे 3 डॉट पे टाइप करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अभी हमें इंपोर्ट वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट में तो अगर आप कॉन्टैक्ट सेव किए हो तब आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें फिलहाल अभी एक्सपोर्ट वाले से मतलब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सपोर्ट टू स्टोरेज, एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड 1, एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड 2। यानी एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड 1 में करोगे तो आपका सिम 2 का और फोन का कॉन्टैक्ट सिम 1 में चला जाएगा, सिम 1 से सिम 2 में अगर सिम 2 पे सेलेक्ट करते हो तो सिम 1 और फोन का कॉन्टैक्ट सिम 2 में चला जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट टू स्टोरेज करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, योर कॉन्टैक्ट लिस्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फाइल्स /mnt/sd-card/401.vcf। तो आपको ये परमिशन मांग रहा है, तो आपको क्या करना है, ओके करना है, और जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे देखोगे तुरंत यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक्सपोर्टिंग 0001.vcf फिनिश। यानी आपका जो सारे कॉन्टैक्ट थे 311 कॉन्टैक्ट, उनका बैकअप अब आपके एसडी कार्ड जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज है उसमें क्रिएट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट स्टोरेज में आपका इंटरनल या एसडी कार्ड कोई भी हो सकता है, क्योंकि मेरा इंटरनल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फाइल कहाँ पे सेव हुई होगी। तो आपको फाइल मैनेजर में जाना है, और जैसे आप फाइल मैनेजर में जाओगे उसके बाद अगर आप नीचे स्वाइप करोगे तो ये एकदम एसडी कार्ड या इंटरनल के बाहर ही सेव होगा। यहाँ पे देख सकते हो 0001.vcf, ये 6/11/2018 आज ही की फाइल क्रिएट हुई है, और इसकी साइज आप देखिए 43.89 KB, ये ज़्यादा साइज नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट कितना साइज ले सकता है सेव करने में आपको पता ही होगा। तो अब क्या होगा कि आपका ये जो VCF फाइल है ये हो गया सेव, अब आप इसे PD में या लैपटॉप में, आपने कंप्यूटर में, कहीं भी आप जहाँ आप सेफली समझते हो इस फाइल को आप रख सकते हो। उसके बाद से अगर आपका सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो अगर रिमूव हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली फिर से कॉन्टैक्ट्स के आइकन पे आना है, उसके बाद से यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करना है, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपको आना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अब जैसे मैंने कहा कि इंपोर्ट अगर आपने बैकअप लिया है तब यूज़ करोगे, तो यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप अदर फोन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आ जाएगा एसडी कार्ड या इंटरनल स्टोरेज जहाँ भी आपने सेव किया उस स्टोरेज को सेलेक्ट कर लोगे। अगर एमआई के फोन में आप टैप करते हो तो एमआई में आप देख सकते हो ये अकाउंट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एमआई अकाउंट पर टैप करेंगे, एमआई अकाउंट पर टैप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट 1 वी कार्ड फाइल्स, इंपोर्ट मल्टीपल वी कार्ड फाइल्स, इंपोर्ट ऑल वी कार्ड फाइल्स। चूंकि एक ही वी कार्ड VCF फाइल क्रिएटेड है या मेरे में ऑलरेडी एक पहले से पड़ा हुआ है, तो आप जैसे ही इंपोर्ट 1 वी कार्ड फाइल पे टैप करोगे यहाँ पे आ जाएगा डेट वाइज एक contact.vcf जो कि 18/6/2018 को क्रिएट की गई है, और एक अभी लेटेस्ट अपडेटेड जो मैंने बैकअप लिया है 6/11/2018। तो जैसे आप इस पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है ओके करोगे तो जो सारे कॉन्टैक्ट्स आपने बैकअप लिए हैं वो रिस्टोर होने लगेंगे और आपके सीधे फोन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट्स का बैकअप ले सकते हो, और कहीं भी किसी भी फोन में आप चाहें तो उन्हें रिस्टोर करके यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपका कॉन्टैक्ट्स भी सेव रहेगा, और आप अपने फोन को अगर कहीं भी रिप्लेस करते हो, बार बार बदलते हो, या सिम को रिप्लेस करते हो बार बार बदलते हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम आपके कॉन्टैक्ट्स पे नहीं आने वाले, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स सेफ रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरीके से आप अपने
आई होप कि कॉन्टेक्ट को सेव कर पाओगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली नई वीडियो के अपडेट आपको मिल सकें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सी यू सून।